ले मैम वर्कआउट हो गया आपका? बस थोड़ा वर्कआउट करते प्रोटीन पी लिया बस। प्रोटीन पीने से क्या बेनिफिट होता है? मैडम आ रही है और आज हमारा सूट है मिक्स वर्कआउट को लेडीज को लेके, और कम से कम ये लगा लो आप 15-20 मिनट होली, मैंने वेट कर रहा हूँ लेकिन अभी आ रही है मैम, अब देखता हूँ मैं। जी मैम, ये आपका कोई टाइम है आने का? अरे मैम ये चेहरा दिखा दो लोगों को, ये मास्क क्यों लगा लिया फिर आपने? मैम ये कोई टाइम है आपका? हेलो नमस्कार दोस्तों, पहल न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप हमारे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दे रहे हो। तो आज हम वर्कआउट करने वाले हैं मैम। क्या वर्कआउट कर रहे हैं? आज ये वर्कआउट करने वाले हैं जो बहुत सारी लेडीज है, मैं अभी नोट करके आया हूँ, उनको फैट ज्यादा हो रहा है लेकिन वो क्या करती हैं, पहले तो ये एक्सरसाइज लगा ली फिर ये लगा ली, तो उसको प्रॉपर तरीके से लगाते हो क्या करें ये देख लेना, कोई और कोई लेडीज वर्कआउट कर रही है तो साथ के साथ लोग उसको करने लग जाते हैं। पहला फोकस होना चाहिए कि भाई आज हमने मिक्स वर्कआउट, जो जिम ज्वाइन करे हैं बिगिनर उनके लिए मैं मिक्स वर्कआउट लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप वार्म अप हो, मैं वार्म अप हो भी दिखा दो आप एक बार। वार्म अप नॉर्मली है, मतलब पहले आपका टारगेट होना चाहिए, ये मैं स्पेशल लेडीजों को बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम जाके 3 से 4 मिनट वार्म अप हो जाके अच्छी तरीके से, बगैर मशीन वार्म अप हो जाओ। चलो मैम कंटिन्यू, आपने मत ये लगा लो। आज हम जो वर्कआउट करने वाले हैं ये आज मिक्स वर्कआउट हमारा, इसमें आपका चेस्ट वर्कआउट भी हो जाएगा, बैक वर्कआउट भी हो जाएगा, लेग्स वर्कआउट भी हो जाएगा, शोल्डर वर्कआउट भी हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। और हम इसका आज एक सेट लगा के दिखाएंगे, एक सेट हम लगाएंगे लेकिन आपने इसके 3 सेट लगाने हैं जो बिगनर है, और आपने हैवी वेट नहीं लेना। हम जैसे मैम का थोड़ी इंजरी हो रही है शोल्डर में, हम बिल्कुल लाइट वेट लेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट ले सकते हो। पहले आपका वार्म अप हो चुका है तो अब हम करेंगे फर्स्ट वर्कआउट। एक तो ये पकड़ना सीखना, मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग लेडीज भी हैं मेरे, बहुत सारे भाई गलती करते हैं, वो हाथों को मैम ऐसे करना, ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे रखना है। और एक बार हम गलती करते हैं, मैम नीचे ले जाके ऊपर ले आना एक बार स्पीड से, नहीं स्पीड से ये, और एक आपको यहाँ लेके नीचे जाओ मैम, ये 1 2 आपको करना क्या, बिल्कुल आराम आराम से नीचे और ऊपर स्पीड में आना। चलो मैम 15 का लगाओ, 1 2 3 4 स्पीड में नहीं करना आपने, देख लो मैम कैसे लगा रही है, इजी तरीके से लगा रही है। और ये जो पकड़ने है रोड का, ये पकड़ना आपने अच्छी तरीके से। चलो मैम 5 6 7 8 ये जो चेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट है आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर अच्छी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को करोगे। तो आज हमारा मिक्स वर्कआउट है, जैसे हम इसका एक सेट लगाएंगे 15 का, अगला सेट लगाएंगे 12 का, उससे अगला सेट लगाएंगे हम, उससे अगला सेट लगाएंगे हम 16 का, पहले 15 फिर 12 फिर 16। वर्कआउट रहेगा हमारा ट्राइसेप्स का रहेगा, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये नहीं करना आपको, ये रखना है चेस्ट टाइट है और ये वाला ये। आओ मैम करके दिखाओ आप अच्छे तरीके से, आप लाइट वेट ले सकते हो, हैवी वेट की जरूरत नहीं है, आप लाइट वेट लो लेकिन हमारी फॉर्म अच्छी तरीके से, थोड़ा हाथ खोल लो मैम और चलो आप स्टार्ट करो आप। चलो हाँ ये, और ऐसे कर लो, थोड़ा नीचे पूरा जाना चाहिए, ऊपर पूरा नहीं उठना चाहिए। चलो 1 ऊपर पूरा नहीं उठना चाहिए, यहाँ तक रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऊपर ज्यादा जाने लग रहा है आपका, 6 ये मैम करके दिखा रही है प्रॉपर तरीके से, वैसे कर सकती है कि ऐसे सोचा मैम ने नहीं आता है, मैम आपको मिस्टेक भी करके दिखा रही है और अच्छी तरीके से करके दिखा रही है। तो ये भी आपने 15 लगाना है और आपने ये भी 3 सेट लगाने हैं। मैम अच्छी तरीके से फील हो रहा है आपको, क्योंकि मसल का और माइंड का कनेक्शन होना जरूरी है। मैम देखो ध्यान से पूरा नीचे लेके आ रही है, आप क्या करते हो, आप ये ऐसे करते हो, ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो नेक्स्ट हमारा वर्कआउट रहेगा वो हमारा बैक का रहेगा, ये थर्ड वर्कआउट हमारा बैक के लिए है। हम इसमें क्या गलती करते हैं आज मैं बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी है और कैसे करना आपने, ये करते हैं ऐसे पीछे चले जाते हैं हैवी वेट लेके, ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपने यहाँ पे लेना है और गर्दन आपके सामने होगी और ये इजी तरीके से लगाना। 1 2 चलो मैम आ जाओ। अच्छा मैम को भाई थोड़ी इंजरी हो रही है शोल्डर में, तो मैं बता देता हूँ मैम की जगह आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये होल्ड रखना 15 होने के बाद, फिर आराम से ऊपर जाने दो पूरा ये। तो ये भी आपने 3 सेट लगाने हैं, ठीक है।
जो चौथा वर्कआउट हमारा रहेगा वो बाइसेप्स को लेके, बाइसेप्स को लेके हम क्या गलती करते हैं, तो यहाँ झुके ये लगाते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। चेस्ट आपकी टाइट होनी चाहिए और इतना बीड़ा ग्रुप नहीं ले, ग्रुप नहीं लेना, इतना लेना ग्रुप वन टू मैम करके ये इजी कर सकते हो आप। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ले सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको। चलो ये जो हमारी एल्बो है ऊपर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल, इस तरीके से आपने लगानी है। चलो मैम वन टू थ्री, आप देख सकते हो मैम कितना आराम से लगा रही है, इजी तरीके से लगा रही है। फोर फाइव, स्पीड में मत किया रो, आराम आराम से किया रो। सिक्स सेवन एट, अगर आपको आध घंटा जिम में लगना है ना तो पौन घंटा लग जाए, लेकिन आराम से करो, इजी तरीके से करो। नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, चलो 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 मैम फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन होने के बाद यहाँ पे दस सेकंड तक आपने होल्ड रखना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो अब हमारा नेक्स्ट जो वर्कआउट आएगा वो शायद मैंने ही करके दिखाना पड़ेगा शोल्डर में, क्योंकि मैम को इंजरी हो रही है, इंजरी हो रही है, तो मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो है, एक तो हम खड़े हो गए लगाते हैं, खड़े हो गए नहीं, आप बैठ को बैठ के और कमर को टाइट रखे, ये इधर ये वाला ज्यादा ग्रुप ग्रिप नहीं लेना आपने, ये शोल्डर की सीध में रखना है। और आप बहुत सारे लोग ये गलती करते, साइड में आना भाई एक बार फोन लेके, आप ये गलती करते हैं, ये वाला ये वाला ये नहीं करना आपने बिल्कुल, इजी तरीके से मैं बताता हूँ आपको, आपने ये करना है और ये सामने आ जाओ आप, ये वाला, ये ऊपर स्पीड में नहीं जाना, ये और यहां तक नहीं लेना आपने। चलो 15 करता हूं मैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन होने के बाद यहाँ पे होल्ड रखना आपने 10 सेकंड तक। और हर वर्कआउट में आपने ब्रीथ आउट करना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट है लेग्स को लेके, और मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। हम इसमें क्या गलती करते हैं, मैं ऐसे दिखा दूंगा, एक ये कर्तन को ऐसे रखते हो आप, नीचे नहीं रखना, ये रखना है और कमर टाइट रहने की, और आप नहीं जाना, आपने इतना जाना बस। वन टू थ्री, आओ मैम लो नहीं तो फिर आप ऐसे ही लगा सकते हो ना। अगर बहुत सारी लेडीज हैं जो वेट नहीं उठता, वैसे मैम उठा सकती है, बार बार में नहीं बताना, बड़ी इंजरी हो रही है, आप अच्छी तरीके से लगाओ। चलो मैम ये कर लो यहाँ पे, चलो नीचे, हाँ चलो वन, देख सकते हो मैम अच्छी तरीके से सिटिंग करके ऊपर आ रही है बिल्कुल। चलो मैम नीचे आराम से जाना है, ऊपर स्पीड में आना है, ये चलो चलो इजी इजी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वेट नहीं लगता कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात ना है, अच्छी तरीके से आप खाली भी रिपीटेशन लगाओगे, खाली रिपीटेशन आपने 20 की लगानी है। लेग्स का वर्कआउट बहुत सारी लेडीज हैं जो इग्नोर करती हैं, अगर लेग्स का वर्कआउट इग्नोर करोगी तो आपका टमी फैट कभी कम नहीं होगा, टमी फैट कम नहीं होगा तो फेस का फैट नहीं कम होगा। कितनी होगी मैम, चलो तो आज मैं गिन के देखता हूँ मैम आपकी, 50 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, अब तो शोल्डर में पेन नहीं हो रहा होगा ना मैम, ये तो लेग्स का वर्कआउट है, कर सकते हो ना। चलो हाँ ऐसे हाथ ऐसे करो या ऐसे करो कोई मतलब नहीं उस चीज से। चलो 50 लगानी है लेकिन आपने, कितनी होगी मैम है, नहीं 20 ना हुई मैम, आप चीटिंग कर रहे हो मैम, आपकी 15 हुई है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, वैसे हमारा हो चुका है लेकिन मैं मैम का वर्कआउट करा रहा हूँ, 25 26 26 27 28 29 30 31, चलो मैम 32 33, देखो कितनी लेडीज आपको देख के मोटिवेट हो रही है, आप ये नहीं देख रहे हो शायद मैम, चलो चलो
और मैम को इंस्टाग्राम पर भाई फॉलो किया रहो आप, मैम भी मोटिवेट होती है आप जब फॉलो करते हो मैम को। चलो मैम 25, 26, 26, 27 भाई मैंने चीटिंग की है या नहीं की आप कमेंट करके बताना भाई, लगता है मैम आप मैंने चीटिंग की है। चलो चलो क्या होगी 28, 29 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 नहीं मैम आपसे नहीं लग पाएंगी 50। चलो चलो 40, 41, 42, 43, 44 बताइयो भाई कमेंट कर, मैं चीटिंग आपको लग रहा हूँ मैम मैं चीटिंग कर रहा हूँ, बताना भाई कमेंट करके मैं चीटिंग कर रहा हूँ। चलो चलो मैम थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इतना प्यार देते हो और मैं ऐसे ही आपको नई नई वीडियो देता रहूँगा। मैम आपने रुकना नहीं है, आप लगे रहो, मैं आपका 200 का गिनूंगा। चलो वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। नहीं मैम, अरे मैम रुकना नहीं है, हंसाते रहेंगे और आपको फिट भी करते रहेंगे। तो जो आज हमारा वर्कआउट था ये लेग्स वाला, जो हमने जो मैम का थोड़ा हमने ज्यादा करा दिया, लेकिन मैं मैम से पूछना चाहता हूँ मैम कैसा लगा आपको लोगों की हेल्प करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा मैम, और ये इस मार्क्स को कब उतार दोगी मैम आप? सब बोलेंगे जो पक्का ले भाई, रे मौका दर्द हो रहा है देख लियो अगर तरवाना है तो भाई। तो जो आज हमने वर्कआउट किया मैम, ये कैसा फील हुआ आपको वर्कआउट करके? बहुत अच्छा था। सच्ची बता रही हो? हाँ। बिल्कुल, पैसे तो नहीं दे रखे बताने के। तो मैम देखो अच्छी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो कब लेके आए, नेक्स्ट वीक लेके आए, कमेंट करके जरूर बताना। और जो नेक्स्ट वीक हमारी वीडियो अगर आप चाहोगे तो आज हमने की है एक एक्सरसाइज, बस सरप्राइज आपके लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना और ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू, लव यू। और प्लीज आप मेरा जो यार एक फेसबुक पेज है आप देख सकते हो, वीडियो में दिख रहा होगा आपको, इसको आप लाइक किया करो भाई, और तो चाहे ना करो चाहे ना इसने जरूर लाइक करो, क्योंकि भाई इसने थारी जरूरत है। और इस पर बढ़िया बढ़िया मैं वीडियो डालूंगा, बढ़िया जो वेट लॉस की टैबलेट है किस किस को पूछना है, मैम का इतना वेट लॉस हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, लव यू।